सिक्किम में पर्यटन सीजन के दौरान राज्य में 15 से 17 मार्च तक भारी बारिश, हिमपात और ओलावृष्टि हुई। ऐसे में सिक्किम आने वाले पर्यटक वहां फंस गए क्योंकि सड़कें बर्फ और ओलों से ढकी हुई हैं, जिससे कारों और अन्य पर्यटक टैक्सियों की आवाजाही असंभव हो गई। नाथुला दर्रा, हरभजन बाबा मंदिर, जुलोक, गुरु डोंगमार झील और पुलों की घाटी जैसे विभिन्न लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में कुल 175 पर्यटक फंसे हुए थे। फंसे पर्यटकों में से कई महिलाओं और बच्चे भी कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर खड़े थे। ऐसे में सीमा सड़क संगठन ने फंसे हुए सभी 175 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल दिया है। बीआरओ के कर्मी स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मदद के लिए सड़कों को साफ कर रहे हैं ताकि सभी पर्यटक अपने ठहरने के साथ स्थान पर वापस जा सके। बीआरओ के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा, बीआरओ कर्मियों ने एक अभियान चलाया और 175 फंसे हुए पर्यटकों को बचाया, उन लोगों को सुरक्षित निकाला जो विभिन्न स्थानों में फंसे हुए थे। उन्हें सीमा सड़क संगठन द्वारा सफलतापूर्वक बचाया गया है। बचाव अभियान के बाद बीआरओ के चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा उन पर्यटकों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई है। सिक्किम में सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट स्वास्थ्य पर्यटन स्थलों के लिए सभी सड़कों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संगठन है जो सिक्किम में सीमा के पास लगभग सभी सड़कों का प्रबंधन और निर्माण करता है।